गाइस, तो कैसे आप सब? सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब गाइस होंगे, ठीक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं Vivo Y16 स्टोरेज प्रॉब्लम के बारे में। अगर आपका इसके ऊपर स्टोरेज प्रॉब्लम आ रहा है, आप किसी भी चीज को चला नहीं पा रहे हो, आपका फोन इससे स्लो हो रहा है, और आपको दोस्तों स्टोरेज प्रॉब्लम से छुटकारा पाना है और आप इसको अपने स्मार्टफोन को बिल्कुल एक अच्छी स्पीड से दोस्तों चलाना चाहते हो। एक बात तो दोस्तों आपको पता ही होगी कि Vivo Y16 में एक तो आपको रैम थोड़ी सी कम देखने को मिल जाती है, ऊपर से आपको स्टोरेज कम देखने को मिल जाती है। लेकिन जो आप अपने फोन में Vivo Y16 में जो एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हो, उसके ऊपर सीन क्या हो जाता है कि जब आप उनको यूज करते रहते हो, उनकी जो MB का साइज है, स्टोरेज का जो साइज है, वो इंक्रीज हो जाता है। मान लो दोस्तों किसी भी एप्लीकेशन का, यूट्यूब का हो गया या टिकटॉक का हो गया, किसी गैलरी का हो गया, उसका साइज तकरीबन है 50 MB, लेकिन जब उसको यूज करते रहते हो उसका जो स्टोरेज का साइज है वो इंक्रीज होता रहता है, वो 100 GB, मतलब ये 100 GB नहीं, 1 GB तक लगा ले या 2 GB तक लगा ले, मतलब इस तरीके से 500 MB हो गया, 600 MB, उन साइज का जितनी भी आपके फोन के ऊपर Vivo Y16 में एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, उसका जो स्टोरेज का साइज है वो इंक्रीज होता रहता है। अब वहां से दोस्तों आपका फोन स्लो हो जाता है और आपको वहां पर फिर प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। आज मैं आपको एक ऐसी छोटी सी MB की एप्लीकेशन बताने वाला हूं जिससे दोस्तों आप अपने स्टोरेज को इंक्रीज कर सकते हो, जिससे दोस्तों Vivo Y16 स्मार्टफोन ना आपका स्लो होगा, ना ऊपर दोस्तों आपको जो स्टोरेज की नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिलेगी। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं कि हमें उस एप्लीकेशन को यूज कैसे करना है। ओके गाइस, तो यहां पर आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों अभी आप देख सकते हो यहां पर हमारे पास जो है वो यहां पर वन टैप क्लीनर मौजूद है। Vivo Y16 की स्टोरेज प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कमाल का तरीका बताने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों आपने इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और ये आपको प्ले स्टोर पर इजीली मिल जाएगी। जब आप इसको ओपन करोगे, वेलकम टू वन टैप क्लीनर के नाम से एप्लीकेशन मिलेगी आपको प्ले स्टोर पर, और यहां पर दोस्तों आपने इसको कंटिन्यू कर देना है। जैसे कंटिन्यू करोगे, गेट स्टार्टर के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहां पर दोस्तों आपको जो यहां से एक बार क्लिक करके बैक आ जाना है। जैसे बैक आओगे यहां पर आपको कंग्रेचुलेशन का आ जाएगा, उसके बाद नीचे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करके यहां पर लोडिंग चलेगी। उसके बाद जैसे आप यहां पर करोगे दोस्तों, यहां पर ऊपर जो है वो आपको यहां पर बताया जाएगा, मैं लोगों यहां पर आपको जो वो मतलब कैची क्लीनर है, एसडी कार्ड क्लीनर है, डिफॉल्ट्स क्लीनर है, यहां पर सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप यहां पर आओगे और नीचे आ जाना है, और इससे दोस्तों आपका जो वो डाटा डिलीट नहीं होने वाला। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यहां पर नीचे जैसे ही आप आओगे, यहां पर लार्ज कैची का ऑप्शन यहां पर आपको देखने को मिलता है और यहां पर आपको 3 डॉट देखने को मिलते हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, यहां पर तो दोस्तों आपको इग्नोर्ड एप्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। आप इस पर क्लिक करेंगे, यहां पर दोस्तों आपके फोन की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो यहां पर आपको देखने को मिलेगी। और साथ साथ दोस्तों एक बार मैं आपको और भी बताता चलूं यहां पर ही कि आप लोग यहां से किसी ऐप को इग्नोर करना चाहते हो, यानी कि आप चाहते हो कि यार उस ऐप का जो वो क्लियर कैची जो है वो हमारे पास क्लियर ना हो या कोई भी उसको नुकसान ना पहुंचे, तो याद रखिएगा इससे ना आपका डाटा डिलीट होगा, कुछ भी डिलीट नहीं होता, लेकिन आपकी जो स्टोरेज का साइज है वो बिल्कुल कम कर देगा, जिसको आपको वैल्यू देनी होगी। अब यहां पर दोस्तों यहां पर आपको लार्ज कैची पे क्लिक करना है और यहां पर दोस्तों आपको देख सकते हो आल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। यहां पर आल का ऑप्शन है और ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है। अब यहां पर बताया जा रहा है कि ग्रुप 2 की जो भी एप्स हैं वो यहां पर शो की जाएंगी। बिल्कुल यहां पर ग्रुप 1 की अगर देखा जाए तो यहां पर भी कोई हमें ऐप नहीं शो की जा रही, सिर्फ हमें आल के ऊपर आ जाना है जहां पर हमारे स्मार्टफोन की जितनी भी एप्लीकेशन होंगी। और यहां पर आपको यह भी बताया जा रहा है कि जो लार्ज कैची है, मतलब जो लार्ज वाली है, अब यहां पर जो एक मी की वीडियो है देख सकते हो यहां पर, तो यहां पर इस तरीके से आपके जो ये कर रही है, और यहां पर आपको क्लियर कैची के ऊपर क्लिक करना है। यहां पर आपने क्लिक कर देना, अब जितनी भी एप्लीकेशन होंगी वो यहां पर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। और इससे दोस्तों आपके पास जो है यहां पर क्लियर पर क्लिक करना है, और यहां पर दोस्तों आपको यानी कि इस पर ये जो ऑप्शन आपको बैक पर देखने को मिल रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ से मैं बैक आता हूँ, यहाँ पर क्लियर कैची हो चुका है। अभी यहाँ पर देख सकते हो जैसे जैसे आप बैक करोगे यहाँ पर सारे एप्लीकेशंस का हो चुका है, देख सकते हो इस तरीके से, देख सकते हो बिल्कुल कमाल के तरीके से यहाँ से आप इसको क्रॉस कर देंगे। यहाँ से जितनी भी ऐप्स आपके फ़ोन में मौजूद है उसको आपने क्रॉस कर देना। उसके बाद दोबारा से हम लोग आएंगे, और आने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो है अगला पेज होगा, लोडिंग होगा, थोड़ा सा वेट होगा, तो उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास क्या सीन आता है। अब जैसे आए तो यहाँ पर लास्ट पर आते हैं, और जो जितना भी साइज था एप्स का वो हमारी स्टोरेज को बिल्कुल खाली कर चुका है। और इस तरीके से दोस्तों आप लोग अपनी स्टोरेज की जो नोटिफिकेशन आती है, जो स्टोरेज प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो।